त्योहारों के मद्देनजर डीआईजी ने किया शहर में पैदल मार्च। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा आज धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद आगामी त्योहार को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन सभागार में जनपद के सभी थाना अध्यक्षों व क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के साथ आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने शहर के ट्रैफिक चौराहे से लेकर पुरानी कोतवाली चौराहे तक आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर व्यापारी और आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। साथ ही सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहार मनाने की अपील की है। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन मिश्रा का कहना है कि आगामी त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और व्यापारियों सहित आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए आज शहर में पैदल मार्च किया गया है। सर, आज किस चीज को लेकर के फ्लैग मार्च निकाला गया है? आज ये नॉर्मल पैदल गश्त का एक रूटीन मार्च कैंप होगा और इसके पहले मेरे द्वारा जनपद में आज क्राइम मीटिंग की ली गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विगत किसी में जो निर्देश दिए गए थे उनकी समीक्षा की गई जनपद में, अपराध एवं कानून व्यवस्था और आगामी त्यौहार के संदर्भ में समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है और उनको आगामी जो दुर्गा पूजा का त्यौहार है और रात्रि है और इसके क्रम में जो मिशन शक्ति की समीक्षा है, इन सब बिंदुओं पर एक ही करके वार्ता की गई है और हिदायत की गई है कि सारे बिंदुओं पर खासतौर से अवैध टैक्सी स्टैंड का जो सत्यापन है उस पर और सांप्रदायिक गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रखी जाए ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। महिला संबंधी जितने भी अपराध हैं उनकी सजगता और संवेदनशीलता से उसका निर्धारण किया जाए और एक भयमुक्त वातावरण बनाने की दिशा में प्रयास किए जाए ताकि आगामी हमारे त्यौहार जो है वो गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।